पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान डेड लॉक खत्म। फ्लोर मिल्स मालिकान ने हड़ताल 10 रोज के लिए मौखर कर दी। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा ने कहा कि आइंदा जुमेरात को होने वाले इजलास में विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने पर फैसला होगा। जनूबी पंजाब भर में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल, सखी मालिकान की दोनों हाथों से लूटमार। आटा 120 रुपए किलो फरोख्त, मैदे का 50 किलो वाला थैला 1000 रुपए महंगा कर दिया गया। चक्की मालिकान ने कहा कि अखराजात बहुत ज्यादा हैं, कम रेट मुमकिन नहीं। शहरियों ने गंदुम और आटे के मसाइल को संजीदगी से हल करने का मुतालबा किया। फ्लोर मिल्स की हड़ताल से गिरा फरोशों ने खूब फायदा उठाया। मियांवाली, मुजफ्फरगढ़ समेत दीगर शहरों में मर्जी के रेट। रहीमिया खान में आटा 500 रुपए फी मन महंगा, सूजी और मैदे का बोरान भी सर उठाने लगा। शहरियों के मुताबिक इंतजामिया के अहकाम पर अमल दरामद नहीं हो रहा, गिरा फरोशों को लगाम डाली जाए। मुल्तान बहावलपुर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत, सार्फीन को कई रोज से आटा दस्तयाब नहीं। चीनी, घी समेत दीगर अशिया खुरनोश भी गायब, खरीदारी के लिए आए सार्फीन मायूस। खातून का कहना है सस्ता होना तो दूर की बात, आटा दस्तयाब ही नहीं। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट का 25 जुलाई को हड़ताल का ऐलान। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर नबील महमूद तारिक ने कहा के पहले मरहले में दो सूबों में हड़ताल कर रहे हैं, मुतालबात हल ना हुए तो मुल्क गिर हड़ताल करेंगे। बिजली बिलों से रहीम यार खान के सार्फीन परेशान, कहते हैं आमदन से जायद बिल आ जाते हैं, हुकूमत से बिजली सस्ती करने की अपील। उधर ईसा खेल का मजदूर तबका महंगाई की चक्की में पिस गया, काम मिलता नहीं, दिन भर इंतजार के बाद खाली हाथ घर लौटने पर मजबूर। शहरियों को अब इंसाफ भी महंगा मिलेगा, पंजाब सरकार ने कोर्ट फीस टिकटों में 500 गुना इजाफा कर दिया। 1 रुपए वाली कोर्ट फीस टिकट 200 और 2 रुपए वाली कोर्ट फीस टिकट 500 रुपए में मिलेगी। नौवीं और दसवीं मुहर्रम को आम तातील होगी, पंजाब हुकूमत ने यौम आशूर पर दो छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर मातनियात पंजाब सरदार शेर अली गोरचानी की जेर सदारत इजलास, डीजी खान डिवीजन में मुहर्रम उल हराम और हसास मुकामात के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। आरपीओ सजाद हसन खान ने ब्रीफिंग दी, कच्चार ट्राई बॉर्डर एरिया और बैनुल सुबाई चेक पोस्टों पर सिक्योरिटी इकदाम बारे ब्रीफ किया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने वादा पूरा कर दिया, बहावलनगर के आवाम के लिए एयर एम्बुलेंस का इफ्तिताह। 2 एमपीए लाहौर से एयर एम्बुलेंस लेकर बहावलनगर पहुंचे, एमपीए सोहेल खान, डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद, डीपीओ ने इस्तकबाल किया। बहावलपुर में खसरे की वबाई सूरत हाल बरकरार, 24 घंटे में मजीद 4 मुश्तबा बच्चे रिपोर्ट। विक्टोरिया अस्पताल 1, सरसादी कबासी अस्पताल में 3 मुश्तबा मरीज लाए गए, 4 बच्चों की हालत तश्वीशनाक। जनूबी पंजाब में मौसम सुहाना, गर्मी का जोर टूट गया। बहावलपुर, उच शरीफ, अहमदपुर, शरकिया में मूसलाधार बारिश, जलथा लेक, नशेबी इलाकों, सड़कों पर पानी जमा। मुल्तान रहीमयार खान में मतला अबरालूद, मजीद बारिशों की पेशगोई। दरियाए चनाब का मुजफ्फरगढ़ के मुकाम पर कटाव, आम के बागात और फसलों को नुकसान पहुंचने लगा। मौजा, लालपुर, खानगढ़, बस्ती, दुआबा शदीद मुतासिर, मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं, इंतजामिया का दावा।
डेरा गाजी खान के एमपीए अहमद खान लगारी सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए मुतहरिक, सीईओ हेल्थ डॉक्टर इदरीस लगारी के हमरा लोहारवाला समेत दीगर इलाकों का दौरा, सैलाब मुतासरीन को पंजाब हुकूमत की जानिब से मुकम्मल तआवुन की यकीन दहानी कराई। पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट की मुबीना गफलत, मुल्तान में जारी तरक्याती कामों को ब्रेक लगी, हेड मोहम्मद वाला रोड को दो रोइया करने का काम डेढ़ साल से जेर इल्तिबा, सेवरेज लाइन भी बोसीदा, रोड जल्द तामीर किया जाए शहरियों का मुतालबा। सरकारी मुलाजमत के लिए डॉक्टरों का भी तहरीरी इम्तिहान लेने का फैसला, पंजाब पब्लिक कमीशन के जरिए डॉक्टरों की मुस्तकिल भर्ती के लिए टेस्ट लिया जाएगा, पब्लिक सर्विस कमीशन ने 900 डॉक्टर्स की भर्ती का अमल शुरू कर दिया, इससे खबर इंटरव्यू की बुनियाद पर ही मेडिकल अफसरान मुस्तकिल भर्ती होते थे। कॉमर्स कॉलेजेस को करीबी सरकारी कॉलेजेस में जम करने का फैसला, जनूबी पंजाब समेत सूबे में 40 से ज्यादा कॉलेजेस जम होंगे, फैकल्टी की कमी को पूरा किया जा सकेगा, किराए की इमारतों को खत्म करके अखराजात कम किए जाएंगे। प्रिंसिपल्स की तैनाती के अमल को शफाफ बनाने का फैसला, हुकूमत पंजाब ने तरीकाकार तब्दील कर दिया, अब उम्मीदवार ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा कराएंगे, इंटरव्यू के नंबर भी 20 के बजाय 10 कर दिए गए। प्री मेडिकल वाले तलबा भी इंजीनियर बन सकेंगे, दाखिले से कबल रियासी सब्जेक्ट की 8 हफ्तों की ट्रेनिंग लेना होगी, एंट्री टेस्ट पास करना भी लाजमी होगा, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने मंजूरी दे दी। मैट्रिक नतज में प्राइवेट स्कूल बाजी लेंगे, पंजाब में मजमूरी तौर पर 179 बच्चों ने पोजीशन हासिल की, 120 प्राइवेट और 59 सरकारी स्कूलों के बच्चे शामिल, मुल्तान बोर्ड में कुल 19 बच्चों ने पोजीशन हासिल की। रहीमयार खान में अंजुमन आरतियां गला मंडी के दोनों ग्रुपों में ठन गई, दोनों ग्रुप्स की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक ने कल इलेक्शन मुलतवी करने और दूसरे ने पोलिंग का ऐलान कर दिया, चेयरमैन इलेक्शन कमीशन कमेटी शौकत हयात ने इलेक्शन मुलतवी किया, मुखालिफ ग्रुप हाजी मोहम्मद इब्राहिम ने पोलिंग का ऐलान कर दिया। मुल्तान में अंजुमन ताजरान सैनिटरी एसोसिएशन का चुनाव, राणा निसार सदर, शेख इमरान नईम जनरल सेक्रेटरी मुंतखब, हाजी शाहिद इकबाल चेयरमैन, सरपरस्ते आला अरशद बाजवा मुंतखब, 9 मुंतखब अहदेदारान का चैंबर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के साथ इलहाक का ऐलान। सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर का चाइनीज रिहाइश गाहों का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया, चाइनीज अहदेदारान से मुलाकात, सीपीओ ने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में चाइनीज माहरीन के किरदार को खूब सराहा। मियांवाली में बैनुल मुजाहिब हम आहंगी के जेर एहतमाम तकरीब, चेयरमैन कौमी बैनुल मुजाहिब हम आहंगी डॉक्टर अल्लामा सैयद जहीर हाशमी की शिरकत, मजहबी मुनाफरत के खात्मे के लिए इतिहाद की फजा कायम करने की जरूरत पर जोर दिया।